गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं एंड आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। ओके, एंड फर्स्ट पॉइंट इज मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 6। आज हम 6 के मल्टीप्लिकेशन टेबल के बारे में जानने वाले हैं। ओके, सो 6 को आज हम फर्स्ट रिपीटेड एडिशन फॉर्म में लिखेंगे एंड फिर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। फर्स्ट लाइन में यहाँ पर हमने लिखा है 6, यहाँ पर 1 टाइम 6 है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है 1 6 6 6 1 6। देर आर 2 सिक्सेज इन सेकेंड लाइन, 1 एंड 2। 2 6s are 12। जब हम 6 को 2 टाइम्स ऐड करते हैं तो कितना होता है टोटल, 12। 6 2s are 12। देर आर 3 6s in 3rd लाइन, 1 2 3। 3 6s are 18। 6 3s are 18। जब हम 6 को 3 टाइम्स ऐड करते हैं तो टोटल 18 होता है। देर आर 4 6s in 4th लाइन, 1 2 3 4। 4 6s are 24। जब हम 6 को 4 टाइम्स ऐड करते हैं तो टोटल 24 होता है। 6 4s are 24। देर आर 5 6s in 5th लाइन, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 टाइम्स 6 है। 5 6s are 30। 6 5s are 30। देर आर 6 6s in 6th लाइन, 1 2 3 4 5 6। 6th लाइन में कितने टाइम्स 6 है, 6 टाइम्स। 6 6s are 36। 6 6s are 36। 6 को 6 टाइम्स ऐड करने पर टोटल 36 होता है। देयर आर 7 6s in 7th लाइन, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 7 टाइम्स 6 है। 7 6s are 42। जब हम 7 टाइम्स 6 को ऐड करते हैं तो टोटल 42 होता है। 6 7s are 42। देयर आर 8 6s in 8th लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइन में 8 टाइम्स 6 है और जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो टोटल 48 होता है। 8 6s are 48। 6 8s are 48। देर आर 9 6s in 9th लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th लाइन में कितने टाइम्स 6 है, 9 टाइम्स। 9 6s are 54। जब हम 6 को 9 टाइम्स ऐड करते हैं तो टोटल 54 होता है। 6 9s are 54। ओके, देर आर 10 6s in 10th लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 6s are 60। जब हम 6 को 10 टाइम्स ऐड करते हैं तो टोटल 60 होता है। 6 10s are 60। ओके, तो आपको यहाँ पर 6 के मल्टीप्लिकेशन टेबल को लर्न भी करना है। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54 एंड 6 10s are 60। तो इसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन टेबल को लर्न करेंगे 6 के। ओके, थैंक यू।